सभी व्यूवर्स को पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको साइकस के बारे में बताऊंगी। ये बहुत सुंदर पौधा होता है, इसको सागो पाम भी बोलते हैं, लेकिन ये पाम की वैरायटी नहीं है। ये इसको साइकस के नाम से ही ये ज़्यादा फेमस है। और ये देखिए मेरा कितना पुराना प्लांट्स हो गया है, और ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स है, बहुत धीरे धीरे इसको ग्रो करते हैं। और इसको आप छाया में भी रखिए, थोड़ा बहुत धूप भी पड़ जाए, ज़्यादा धूप में तो इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं, तो आप इसे ये इंडोर प्लांट ही है, इसको छाया में ही रखिए। और इसके बाद पानी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जब इसकी मिट्टी एकदम सूख जाए तब तीसरे चौथे दिन आप पानी इसको डालिए। ज़्यादा इसको पानी पसंद नहीं है, तो जब मिट्टी हमारी सूख जाती है तब हम पानी डालते हैं इसमें। और इसमें पेस्ट अटैक करते हैं, इसकी पत्तियां जब किनारे जलने लगती है, पेस्ट अटैक के लिए आप इसका नीम ऑयल का स्प्रे करिए, वही ज़्यादा बेटर रहता है। मिली बक्स वगैरह भी इसमें लग जाता है, तब बहुत केयर करनी पड़ती है उसके लिए। आप कई सारे पेस्ट कंट्रोल का है, लेकिन मैं केमिकल वाला ज़्यादा नहीं आपको करूँगी प्रेफर। आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और इसको जो है थोड़ा सा हम इसमें एप्सम सॉल्ट डाल देते हैं, इसको मैग्नीशियम पसंद है तो हम इसमें एप्सम सॉल्ट का भी प्रयोग करते हैं। और बाकी खाद तो इसे जैसे मिट्टी जो हम बनाते हैं उसी मिट्टी में इसको लगाते हैं, कोई इसके लिए कोई खास वो नहीं है। और थोड़ा बहुत खाद हम अपने वही लिक्विड खाद तो मैं अपने सभी पौधों में डालती रहती हूँ, तो इसमें भी डालती हूँ। और प्रोपोगेशन की बात करें तो देखिए, ये मेरा पौधा तो बहुत पुराना हो गया, जब आपके पास पुराना पौधा हो जाएगा तो उससे आप कई पौधे तैयार कर सकते हैं। मेरा उधर देखिए वो एक मदर प्लांट लगा हुआ है जो मेरा करीब 10-15 साल पुराना हो गया होगा, उससे ज़्यादा ही कहीं हो गया होगा, और मैंने उसी से ही निकाल कर सारे प्लांट्स तैयार किए हैं। ये भी प्लांट्स और जितने आप देख रहे हैं उधर भी मैंने लाइन से लगा रखे हैं, ये सारे प्लांट्स मेरे उसी से निकाल के तैयार किए गए हुए प्लांट्स हैं। और यहाँ तक कि मैं जो ये निकलते हैं इनके बल्ब, देखिए इस तरीके के इसके ये बल्ब निकलते हैं, मैं कैसे निकाल लेती हूँ इसको, ये देखिए ये एक बल्ब लगा हुआ है, इसको मैं कट करके निकाल लेती हूँ यहाँ से। ये बल्ब देखिए, इसका ये है बल्ब, इसको यहाँ से कट करके मैं निकाल देती हूँ थोड़ा मिट्टी से खोद करके, और फिर मैं इसे मिट्टी में लगा देती हूँ। मैंने इसको कई लोगों को गिफ्ट भी कर दिए हैं क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा निकल आए। देखिए इसी पौधे में दो बल्ब तैयार हो गए, अब तो मेरे और भी पौधे मदर प्लांट्स वाले हो गए, मैंने कई जगह लगा रखे हैं तो इनको निकाल। अच्छा, दूसरा इसको लगाने का तरीका ये है कि आप जब गमले में लगाएं तो इस बल्ब को ऊपर रहने दें, इसे आप जमीन के अंदर नहीं करेंगे, इस मिट्टी के अंदर सॉरी नहीं करेंगे, आप जो है इसको ऐसे ऊपर ही रहने देंगे, और बाकी जो थोड़ी सी जड़ का पोर्शन होगा उसको आप गाड़ देंगे, तो आपका ये पौधा अच्छे से चलने लगेगा और बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। मतलब छोटा पौधा लगाइए तो जल्दी ग्रो नहीं करता है, बाकी इसकी कोई खास केयर नहीं है। केयर तो खैर हरी पौधे की होती है, ध्यान तो देना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी ये यदि एक बार आप ले आएँ और लगाएं तो सुंदर पौधा लगता है। साइकस के बिना तो उस सभी कुछ अधूरा है। तो बस इतनी ही जानकारी साइकस की थी। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।